हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं मुनमुन स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल मुनमुन्स क्रिएटिविटी में। तो गाइस, आज कोई क्रिएटिविटी लेकर नहीं आई हूं, आज लेकर आई हूं एक प्रोडक्ट का रिव्यू। और ये प्रोडक्ट क्या है तो इस वीडियो को देखने के लिए पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में एक सरप्राइज भी आपको दिखने वाला है और थोड़ी सी क्रिएटिविटी वहाँ पर तो मैं हमेशा थोड़ा सा झलक तो दिखाऊंगी। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट को कर लेते अनबॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग करने के लिए डब्बे को खोलना पड़ेगा और मैंने अमेज़ॉन से क्या मंगाया है वो हम देख लेते हैं। तो गाइस, ये अमेज़ॉन से मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया। जैसा आप सब जानते हैं अमेज़ॉन पे भारी सेल लगी हुई है, तो बिना देरी किए हुए मैंने मंगाया हैंड मिक्सर, जो कि मुझे काफ़ी ज़रूरत थी इसकी। तो ये है सायोना का हैंड मिक्सर और ये है 300 वॉट का। और जब हम केक वगैरह बनाते हैं, क्रीम वगैरह बनाते हैं, तो इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। आप कितना भी हाथ से फैटते रहो, क्रीम मेहनत बहुत हो जाती है गाइस, बन तो जाती है क्रीम। ऐसी बात नहीं कि हाथ से फैटने से नहीं बनती, पर बहुत एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसी वजह से मैंने मंगाया हैंड मिक्सर। और इसकी क्वालिटी कैसी है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारा रिव्यू मैं आज देने वाली हूँ। तो ये है 300 वॉट का हैंड मिक्सर। इसमें हमको ब्लेंडर मिला हुआ है, मतलब दो और दो चार, और जो एक डो बनाने के लिए और एक क्रीम बनाने के लिए है। इसकी जो स्पीड है वो 7 स्पीड है। इसमें इजेक्ट बटन है और जो इसके जो हुक हैं वो स्टील के हैं। तो चलिए डब्बा खोल रहते हैं। खोल लिया मैंने। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले क्या मिला। तो सबसे पहले मुझे मिला है ये जो हम फेंटने वाला होता है, डो बनाने वाला, दो उसके मिले हैं। ये देखिए, ये है क्रीम फेंटने वाला, ओके। और जो दूसरा मिला है, देखिए इसकी मजबूती भी अच्छी है, वैसे स्टील की है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि इतनी कम प्राइस में हमको अच्छी ही चीज़ मिली है। तो ये मुझे पड़ा है अभी कितना, आई थिंक 1000 पकड़ लीजिए, 1000 का पड़ा है मुझे। और ये डो बनाने के लिए है, ये भी इसकी क्वालिटी अच्छी है, स्टील का है। अब आते हैं जो इसको इस्तेमाल करने वाला मेन बॉस जो है, तो ये है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल काफ़ी हैंडी है, अच्छा भी है, छोटू सा है। और इसमें पूरा स्पीड देखिए यहाँ पर दे रखा है, 7 स्पीड है इसकी। तो इसको ये देखिए, काफ़ी इजी है, हैंडी है। और बस मुझे एक डिसअपॉइंटेड ये लगा, इसके तार बहुत छोटे मिले हैं गाइस। तार जो थे ना वो थोड़े से लंबे होने चाहिए थे। बाकी अगर इसको मैं अगर 10 में से 10 देना चाहूँ ना तो पूरा दे सकती थी, पर मैं इसको 10 में से 10 नहीं दूंगी, मैं सिर्फ 8 दूंगी, सिर्फ इसी तार के वजह से, और कोई बात नहीं है। बाकी ये बिल्कुल प्रोडक्ट इतना मस्त है, काफ़ी अच्छा है, 1000 रुपये में गाइस क्या मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ मुझे मिली है। तो सबसे पहले इसको लगाने का तरीका देख लेते हैं, इन हुक को कैसे लगाना है। तो हुक बहुत ईजीली, ये देखिए, थोड़ा सा घुमाइए, प्रेस कीजिए और ये इसमें अटैच हो जाता है, काफ़ी ईजी है। ये देखिए, निकालना भी आसान है और आराम से लग गया। और गाइस एक बार चेक कर लीजिएगा, लगा कि नहीं लगा, खींच के देखना है उसको। और ये देखिए, यहाँ से स्पीड इसकी ये बढ़ती है, कम ज़्यादा आपको जितनी स्पीड चाहिए उतनी स्पीड में ये घूमेगा। इसका पूरा डेमो अभी आपको देने वाली हूँ, क्या क्या ये काम करता है, यही तो मैं आपको सरप्राइज़ दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या सरप्राइज़ है। तो ये देखिए, ये ईजीली निकल गया, इसको थोड़ा सा प्रेस करना है, निकालना है। तो और क्या मिला है देख लेते हैं। ये हमको मेन्यू मिला है, इसमें सारा लिखा हुआ है इंग्लिश में कि आपको ये क्या क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला। पर मुझे नहीं लगता मैं इतना बकबक कर रही हूँ और आपको समझ में ना आए, आपको सब समझ में आ जाएगा, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा आपको डेमो ही देने वाली हूँ और बिल्कुल बहुत अच्छा डेमो दे रही हूँ, आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं मेरे, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको किस तरीके से लगाना है। सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ डो, और डो का हुक मैंने लगा दिया, इसको थोड़ा सा घुमाया और ये घुस गया, और इसको खींच के थोड़ा देख लेना है भैया, पक्का लगा कि नहीं लगा, पता लगा फर्र हो गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 2 कटोरी आटा और इसको अब हम मार लेते हैं। चलिए, तो जैसा हम हाथ से गूंदते हैं, तो बस हाथ से गूंदना नहीं है, और थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हम घुमाएंगे और आटा मड़ता है कि नहीं देख लेते हैं।
तो गाइस अच्छे से मर रहा है, ये देखिए हो रहा है, अपना काम कर रहा है वो। तो थोड़ा पानी और डालूंगी और फिर से इसको घुमाऊंगी। तो गाइस यहाँ पर ऑलमोस्ट आटा मर चुका है, अब हम इसको कर देंगे थोड़ा सा बंद। और बंद करने के बाद हाथ की आवश्यकता तो ज़रूर लगती है एंडिंग में, जब तक अपने हाथ से माड़ो नहीं ना आटा तब तक मज़ा नहीं आता। तो ठीक है, मुझे पसंद आया ये और काफ़ी अच्छे से मर गया आटा ऑलमोस्ट। अब क्या करेंगे, अब इसका जो दूसरा हुक है, वो जो मेन हुक है जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो हुक को देख लेते हैं। तो ये आटा तो मर के रेडी है, इसको कर लेते हैं साइड में। अब चलते हैं, इसकी बारी आ गई है। तो ये देखिए मैंने यहाँ ले रखा है क्रीम, और सेम उसी तरीके से इसको भी अटैच कर दूंगी मैं, और खींच के देख लेंगे लगा कि नहीं लगा अच्छे से। ये मेन आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप हुक लगाते हो लगाने के बाद चेक ज़रूर करिएगा हुक अच्छे से लगा कि नहीं लगा, ठीक है। तो अब इसको मैं घुमाती हूँ, तो ये थोड़ा बहुत आइस हो गया, इसको थोड़ा सा फोड़ लेते हैं, क्योंकि इतना में अपने को भी तकलीफ़ होगा, प्रेशर देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा क्रीम को चाकू से कट कर लेती हूँ मैं, काफ़ी आइस हो चुकी है, क्योंकि ये हमें फ्रीज़र में रखना पड़ता है, ये रेडीमेड क्रीम है। बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी, अब तो ये मिक्सर आ गया है और हैंड मिक्सर, और आपके साथ मलाई से कैसे क्रीम बना सकते हो आप केक के लिए, वो जल्दी ही शेयर करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए रेडीमेड क्रीम से ही काम चला लीजिए, दिखा रही हूँ खाली, रिव्यू दे रही हूँ आपको ये प्रोडक्ट कैसा है। तो ये देखिए अभी मैंने इसको फोड़ लिया, अब हम इसको अच्छे से घुमा लेते हैं, क्रीम हमारी बनती है कि नहीं बनती अभी पता चलेगा। तो गाइस सबसे पहले मैंने अभी एक स्पीड पे लगाया है, उसके बाद धीरे धीरे दो पे करूँगी, धीरे धीरे तीन पे करूँगी, चार पे, पाँच पे, छः पे, और फिर एंड में आ जाऊँगी सात पे। अभी देखिए मैंने सात पे कर दिया है और अच्छे से इसको फैट रही हूँ मैं, और ये अब क्रीम ऑलमोस्ट बन चुकी है आप जैसा देख रहे हो। मैंने स्पीड थोड़ी सी तेज भी कर दी है वीडियो की, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो ये क्रीम बनाने के लिए मुझे सिर्फ 4 मिनट लगे अच्छे से फेंटने के लिए। ये देखिए फैट चुकी हूँ और इसको मैंने प्रेस किया और ये निकल गया। अब देखिए आपको इसके साथ तड़का मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक छोटू सा एक केक बना रही हूँ ब्रेड से, जो आप झटपट अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो क्रीम बनी गई थी तो सोचा क्यों ना आपके साथ एक छोटू सा, जो बोलते हैं ना एक के साथ एक फ्री, तो मैं वो दे रही हूँ आपको। तो ये एक रेसिपी छोटी सी शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि किस तरीके से आप बच्चे के लिए, अपने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना खुश हो जाते हैं केक वगैरह देख के, पेस्ट्री वगैरह देख के। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्रेड के 4 स्लाइस और उसके ऊपर लगा रही हूँ थोड़ा सा क्रीम और थोड़ा लगा रही हूँ पाइनएप्पल क्रश, और इस तरीके से मैं 4 ब्रेड को ऐसा बेस बना लूँगी और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, जिससे बच्चों को मज़ा आ जाता है। आप इसी तरीके से चॉकलेट वाला भी बना सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यही आपको एक साथ शेयर कर रही हूँ। फिर मैंने लगाया दूसरा ब्रेड का पीस, और सेम जो मैंने नीचे लगाया क्रीम लगाऊंगी, उसके ऊपर पाइनएप्पल क्रश लगाऊंगी, टूटी फ्रूटी डालूंगी, फिर दूसरा बेस डाल, तीसरा बेस डाल दूंगी, फिर चौथे पे थोड़ा सा हम कर लेंगे डेकोरेशन और बन जाएगा हमारा एक छोटू सा केक बोल लो, चाहे आप इसको पेस्ट्री बोल लो, बहुत यम्मी लगता है। और यहाँ पर आप चीनी का पानी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाने के लिए, ये वैसे सॉफ्ट हो ही जाएगा, आप इसको थोड़ा आधा घंटा फ्रिज में रख देंगे ये बनाने के बाद तो सॉफ्ट हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। और चीनी का पानी मैं इसलिए नहीं डाल रही, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, क्योंकि क्रश जो होता है ऑलरेडी मीठा रहता है काफ़ी, क्रीम भी मीठी है, बहुत मीठा हो जाएगा, इसी वजह से मैं चीनी का पानी नहीं डाल रही हूँ। और बस ऐसे ही बना रही हूँ, और थोड़ा क्रीम भी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए ज़रूरत नहीं है कि हमें चीनी का पानी डालना पड़े। तो ये देखिए अब मैं जो एक लास्ट बेस है वो वाला भी, उसको ऊपर क्रीम वगैरह क्रश वगैरह डाल के उसको भी रेडी कर लेती हूँ, और बन जाएगा एक छोटू सा पेस्ट्री, देख लीजिए मैं कैसे बना रही हूँ।
तो गाइस देखा आपने इस मशीन का कमाल, मेरा आटा मड़के तैयार है, एक छोटू सा केक बोल लो पेस्ट्री बोल लो रेडी है बच्चों के लिए। तो ये मशीन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसको मैं 10 में से 8 नंबर दूंगी क्योंकि इसका जो तार था वो छोटा था। बाकी मुझे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा सेयोना का, और आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसका रिव्यू पसंद आया होगा, मेरा एक छोटू सा केक पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।